हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनिका यादव फ्रॉम HCI एंड इट इज माई लेक्चर नंबर 12 ऑफ द 9th बायोलॉजी क्लास एंड द टॉपिक इज ऑक्सीजन साइकिल। सो बेटा, ऑक्सीजन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो फूड हमने खाया है उस फूड का ब्रेक डाउन होता है थ्रू दैट ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन बेटा वाटर कंस्टिट्यूएंट है वाटर का, एंड बेटा ये एटमॉस्फेयर में 21% पाई जाती है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिक्वायर करते हैं ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन बेटा एंटर होता है लिविंग वर्ल्ड में थ्रू द रेस्पिरेशन, क्योंकि जो फूड मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो CO2 एंड वाटर रिलीज करता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि ये ऑक्सीजन आया कहाँ से। बेटा ये ऑक्सीजन एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के थ्रू आया। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में बेटा फूड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें CO2 और वाटर कंबाइन होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट और द लाइट एनर्जी वो ग्लूकोज बनाते हैं एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। यही ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज होती है और प्लांट खुद भी इसे यूज करता है, एंड एनिमल्स जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो सारे इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। सो जो फ्री ऑक्सीजन है वो बेटा रेस्पिरेशन में यूज होगी और वो रिटर्न टू दी एनवायरमेंट एज मॉलिकुलर ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल चलेगी और ये डिपेंड करती है टू बेसिक प्रोसेस पर, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस CO2 लेगा और वाटर लेगा। सो CO2 और वाटर जब बेटा लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं सो दे फॉर्म फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। सो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है दैट इज अगेन यूज इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। फूड का ब्रेक डाउन होगा, CO2 रिलीज होगी, दैट CO2 अगेन यूज इन द फोटोसिंथेसिस। सो ये है बेटा ऑक्सीजन साइकिल। अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है बेटा, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ये रिलीज होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पर जब यूवी रेज फॉल डाउन होगी सो बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन एंड मॉलिकुलर ऑक्सीजन फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती है। अगेन दिस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर। सो जो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है दैट इज मॉलिकुलर O2 बेटा ये कंबाइन होगी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, सो इट फॉर्म द O3। O3 क्या है बेटा, दैट इज द ओजोन लेयर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। सो बेटा जो ऑक्सीजन साइकिल है ये बेसिकली टू प्रोसेस पर डिपेंड करती है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बेटा जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो एयर और वाटर में मेंटेन्ड है, क्योंकि वहां पर बात करें तो दोनों प्रोसेस है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। सो जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो एज अ पार्ट ऑफ CO2 by the decomposition of the dead organic matter, और oxygen add हुई to the air as a CO2, H2O, sulfur dioxide, nitrogen oxide and during burning of the fuel. So जो oxides है that is the nitrate, nitrite, ये बेटा microbial oxidation process से बनते हैं। So बेटा यही है all about the oxygen cycle। जी ऑक्सीजन साइकिल का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा कि जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन है दैट रिएक्ट विद द नेसेंट ऑक्सीजन और वो क्या बना देती है, वो ओजोन बना देती है। और दूसरा बेटा जो ओजोन है ये बेटा अगर इस हमारे यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है इसीलिए ओजोन शील्ड कहलाती है। ओजोन जो लेयर है ये प्रोटेक्ट कर रही है इससे यूवी रेज से और एक्स रेज से कि वो अर्थ के सरफेस पे ना आए। अगर यूवी रेज और एक्स रेज अर्थ में आएगी सो बेटा दे कोज स्किन कैंसर और बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन आईज। सो वो बेटा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट करेगी। सो जो ऑक्सीजन साइकिल है वो
जो मोस्ट रिसेंट फैक्टर है वो है ऑक्सीजन बजट ऑफ द अर्थ इज, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन बजट की बात करें, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है और प्लांट का नंबर कम हो रहा है, सो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, कहीं ना कहीं कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है। सो ये था बेटा ऑल अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।